सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैनल आ चुका है जो आपको पेनी गुरुजी के नाम से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स ही रेकमेंड किए जाएंगे जो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो है बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ऑलरेडी रेकमेंड किए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर जो है उनको विजिट कर सकते हो। और सेकेंड, आप देखोगे हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है जहाँ पर आपको जो है कोई भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट आती है। जैसे अभी सुवेक्स वाली कोई न्यूज़ आई थी तो पहले हमारे टेलीग्राम पर हमने जो है उसके लिए आपको बता दिया था कि सुबैक्स के जो है पार्टनरशिप होने वाली है। जी हाँ, तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल के अबाउट में जाकर आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हो, बिरला टायर्स लिमिटेड। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे ये जो ना एक ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी है। और ये स्टॉक जो ना पीछे तो इसके अंदर बहुत हैवी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था, बट कुछ टाइम से आप देखोगे इसके अंदर हमें जो ना अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी का रीज़न क्या है और ये तेज़ी हमें कहाँ तक देखने को मिलेगी, आप पब्लिक के बहुत सारे सवाल है, क्या यहाँ से हमें जो ना अच्छी तेज़ी दिखा सकता है ये स्टॉक या फिर नहीं, फ्रेश एंट्री लेने के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपके जो ना सारे डाउट क्लियर होंगे, फ्रेश एंट्री लेनी है या फिर नहीं लेनी, अगर ले तो किस लेवल से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए, और कहीं ऑपरेटर के तो स्टॉक के अंदर नहीं चल रहा है, तो सब का सब हम जो ना डिस्कस करेंगे। आप देखोगे एक साल में इसके अंदर में रिटर्न की बात को तो हमें जो ना 78% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास हमें जो ना पिछले वीक देखने को मिला था, और अपने 52 वीक लो से स्टॉक हमें जो ना फिर से उड़ते हुए नजर आया है। अपने 52 वीक हाई से आप देखोगे स्टॉक 29 रुपये का 52 वीक हाई है, और वहाँ से आप देखोगे बहुत ज़्यादा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। जी 29 रुपये से 5.40 रुपये पर आया हुआ है, और स्टॉक के अंदर आज फिर से हमें जो ना यूसी देखने को मिला है। और आप देखोगे भाई इसका जो वॉल्यूम लगती है इसके अंदर एनएससी प्लस बीएससी के अंदर वो 2 लाख+ आज हमें जो ना देखने को मिली है। तो भाई इसके आप मार्केट कैप देखोगे बहुत ज़्यादा लो है। जी हाँ, और वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न की तो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। तो सारे के सारे जो है ना इंडिकेटर हमें जो है इसके अंदर बिल्कुल लो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई पीछे स्टॉक के अंदर बहुत हैवी करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है, तो स्टॉक अपने 52 वीक लो से आप देखोगे 4.35 रुपये रहा है इसका लो, तो वहाँ से स्टॉक हमें जो है फिर से कम बैक करते हुए नजर आया है। तो कम बैक करने के पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे इसका क्वार्टर वन रिजल्ट प्रीवियस क्वार्टर से कैसा आया है, आप देखो नेट सेल्स में हमें जो ना गिरावट देखने को मिली है, बट अब की बार हमें प्रॉफिट जरूर देखने को मिला है, बट प्रॉफिट आया कहाँ से, मैंने बात तो यही है प्रॉफिट आया कहाँ से। आप देखोगे नेट सेल्स में गिरावट है, एक्सपेंसेस में आप देखोगे गिरावट आई है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो इसका प्रॉफिट आया है ना भाई वो आप देखो अदर इनकम से आया, जी इंटरेस्ट वगैरह हो गया, और जो ना अदर इनकम से इसका हमें प्रॉफिट आते देखने को मिला है। जो प्रॉफिट तो नहीं मैं कह सकता आपके बार कंपनी को लॉस जरूर हुआ, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया है। यहाँ पर आप देखो भाई प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी को लॉस हुए थे वो 445 करोड़ के, जबकि अब की बार आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉस है वो घटकर 29 करोड़ के रह चुके हैं। तो रिजल्ट अच्छे आने के कारण हमें जो ना इसके प्राइस में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, पब्लिक भी इसके अंदर अब जो ना इंटरेस्टेड होने लगी। आप देखो जो वॉल्यूम लग रही है ना वो ज़बरदस्त लगने लग रही है। जी हाँ, 100% हमें जो ना अच्छी वॉल्यूम लगते देखने को मिल रही है। हम जो ना डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या इसके ऊपर में टारगेट रहने वाले हैं, और कुछ एक बात इसकी नेगेटिव भी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेगेटिव बात हमें क्या देखने को मिली है इसका, आप देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स ने अपनी प्रीवियस क्वार्टर से होल्डिंग जो ना डिक्रीज की है 48% से, आप देखोगे 38% इसकी जो ना होल्डिंग रह चुकी है, यानी 10% से डिक्रीज की है। और वहीं अगर मैं बात करूँ एफआई ने, तो एफआई ने यहाँ पर जो ना अपना स्टेक बढ़ाया है 0.01% से, आप देखोगे 0.06% हमें जो ना होते देखने को मिला है। तो ये जो है हमें जो ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिला। आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स में हमें जो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो आप देखोगे 3 अगस्त को इसके अंदर हमें जो ना बल्क डील देखने को मिली 2022 में, वहाँ पर जो शेयर है वो सेल किए गए थे भाई, ठीक है 5.59 रुपये पर। आप देखोगे अप्रोक्सीमेट 8 लाख के आसपास जो शेयर है वो सेल किए गए थे, यानी स्टॉक के अंदर ऑपरेटर गेम भी चल रहे हैं। उससे पहले आप देखोगे 17 मई को हमें देखने को मिला था, तो ऑपरेटर गेम भी स्टॉक के अंदर चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि ऑपरेटर गेम स्टॉक के अंदर नहीं है, ऑपरेटर गेम भी है। और हाल फिलहाल आप देखोगे इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, जैसे ही बिरला टायर की रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है निकल कर वो मैं आपके साथ जो ना शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे हमें जो है इसके अंदर रेगुलर अपर सर्किट पर अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में इसका जो टारगेट ऊपर में निकला है वो आप देखोगे
₹5.99 और ₹8.97। और फ्रेश एंट्री इसके अंदर हमें क्यों नहीं लेनी, क्योंकि भाई देखो कंपनी जो ना डिलिस्ट भी हो सकती है, तो बहुत सारे खतरे हैं कंपनी के ऊपर। आप देखोगे मैं इसके ऊपर जो ना केस स्टडी पूरी करूंगा कल, और इसके ऊपर जो ना कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा कि कंपनी जो ना डिलिस्ट हो भी सकती है फिर नहीं भी हो सकती। तो बहुत सारे सवाल है, आपको करंट प्राइस पर एंट्री नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए, अदरवाइज आप जो ना इसके अंदर बुरी तरह से फंस सकते हो। अगर एक बार इसके अंदर से फिर से एलसी लगा तो आप देख लेना, फिर से जो ना यहाँ से जिस लेवल से एलसी लगेगा वहाँ से हमें जो ना 40-50% के आसपास करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो ना इससे थोड़ा दूर रहिए अभी, जैसे कोई इसका फ्रेश नोटिस आता है या फिर कुछ और न्यूज़ निकल कर आती है बैंक करप्ट से लेकर, तो मैं आपके साथ जो ना वो शेयर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।